हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टेलर पैंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मीडियम फिटिंग शर्ट की कटिंग देखने वाले हैं। शर्ट का नाप जान लेते हैं। लंबाई है 26.5 इंच, सीना है 38 इंच, शोल्डर है 18 इंच, आस्तीन है 23.5 इंच और कॉलर है 14 इंच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन कर लेंगे। शर्ट की लंबाई है 26.5 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 27.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पे जो काज पट्टी और बटन पट्टी रहता है उसके लिए यहाँ पर 2 इंच निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम सीना के हिसाब से लगाएंगे। हमारा जो शर्ट का सीना है 38 इंच है, तो 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 1/2 इंच माइनस करके 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कालहर का निशान लगाएंगे। कालहर है 14 इंच, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जो हला रहता है उसके लिए भी 2.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच और इसमें 1/2 इंच दबाव के लिए तो 9.5 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर का हाफ और इसमें 1/2 इंच दबाव के लिए तो 9.5 इंच। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर भी शोल्डर का हाफ पहले निशान लगाएंगे 9 इंच पे और अंदर की तरफ यहाँ पर शेप देने के लिए निशान लगाएंगे 1/2 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे। सीना है 38 इंच, 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच और इसमें ये मीडियम फिटिंग शर्ट है तो यहाँ पर 2 इंच लूजिंग देंगे तो 1 और ये 2 इंच तो 11.5। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक सीने का जितना निशान लगाए हम लोग जितना लगाए हैं उतना सेम यहाँ बॉटम पर भी लगाना है 11.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर राउंड फंटी से शेप देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ओपन शेप देने के लिए 2 से 2.25 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद राउंड फंटी को इस तरह से लगभग 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारा मीडियम फिटिंग शर्ट है। यदि ये हमारा फिटिंग शर्ट रहता, टाइट फिटिंग शर्ट रहता, तो हम यहाँ से इस तरह से शेप देते, लेकिन ये हमारा मीडियम फिटिंग शर्ट है तो हम इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से लगभग 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे राउंड फंटी को और इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर राउंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लगभग 1/2 इंच हमको इस तरह से पहले निशान लगा ले, क्योंकि इस तरफ 1/2 इंच दबाव रहेगा, तो यहीं तक हमको राउंड को इस तरह से रखना है। कॉलर पे भी राउंड कर ले और यहाँ पर इस तरह से ओपन शेप दे दें। यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा ले।
यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट के लिए बेक डाउन का निशान लगा ले, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच बेक को डाउन करेंगे शोल्डर ज्वाइंट के लिए, और जो निशान लगाए हैं यहाँ पर 3.5 इंच, उसको हम यहाँ किनारे पर रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं 1.25 इंच का यहाँ पर प्लेट लगाऊंगा, तो मैं यहाँ बेक पार्ट को यहाँ साइड से 1/2 इंच यहाँ पर कम रखूँगा, डाउन करूँगा इधर। यहाँ पर हम बेक पार्ट में शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच, और 1/2 इंच यहाँ पर दबाव के लिए तो 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। इसके बाद यहाँ पर बॉटम में इस तरह से निशान लगा लें। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बेक पार्ट में बॉटम को हम यहाँ से 2 सूत डाउन करेंगे, कम काटेंगे 2 सूत, ये इस तरह से देखिए। और यहाँ पर ला के इसको मिलाना है दोस्तों इस तरह से। यहाँ पर सेंटर का कट लगा लें। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लें। इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारा आस्तीन की लंबाई है 23.5 इंच, तो हम यहाँ पर 22.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच माइनस करके। एक निशान यहाँ पर और लगाएंगे। यहाँ पर आर्म होल डाउन का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और ये देखिए हमारा आर्म होल आ रहा है 9.25 इंच। तो हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल को लिया था 9 इंच, तो यहाँ पर 2 सूत कम पड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कस्टमर को मोरी चौड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा मीडियम फिटिंग शर्ट है, तो हम यहाँ पर इस तरह से शेप नहीं देंगे। यदि फिटिंग शर्ट रहता तो हम इस तरह से शेप देते, लेकिन ये हमारा मीडियम फिटिंग शर्ट है, तो हम इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर इस तरह से राउंड कर लेंगे। इस तरह से 2 पल्ले ले लेंगे और एक बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर नाखून से निशान बना ले। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चाक पट्टी का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे, और जहाँ पर हम नाखून से निशान बनाए हैं 1/2 इंच, इस तरफ हमको कटिंग करना है। और जहाँ पर हम चाक पट्टी का कटिंग किए हैं उसके अपोजिट साइड हमको डाउन करेंगे, ये इस तरह से एक साइड को डाउन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने एक साइड को डाउन कर दिया है, तो ये डाउन किया हुआ पार्ट वो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा, और जिस तरफ हम डाउन नहीं किए हैं वो बैक पार्ट में। इसके बाद दोस्तों हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, और इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर नाखून से इस तरह से निशान बना लें। यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच,
यहाँ पर भी 5.5 इंच पे निशान लगा लें और इस तरह से इसको सीधा कर ले पहले। इसके बाद हम शोल्डर की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच और हाफ इंच दबाव के लिए तो 9.5 इंच। यहाँ पर भी सेम निशान लगाएंगे 9.5 इंच। और यहाँ पर दोस्तों हम 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे शेप देने के लिए शोल्डर को। यहाँ पर हम कॉलर का निशान लगाएंगे। हमने फ्रंट पार्ट में कॉलर लिया था 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 2.75 इंच लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सूत शेप देने के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो हम यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ 2.25 इंच। यहाँ पर इस तरह से राउंड कर लें। और यहाँ पर दोस्तों हम राउंड फंटी से शेप देंगे यहाँ से यहाँ। यहाँ पर सेंटर का कट लगा लें।